See carefully. Now, fourth question. In our fourth question, value of sine theta is given 1 by 2. Sine theta, which is 1 upon 2, given. अच्छा ये वैल्यू वन और टू दोनों न्यूमेरिकल छोटे छोटे हैं तो मतलब हम लोग डायरेक्ट आइडेंटिटी में रिप्लेस कर सकते हैं. वी नो दिस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू वन. क्या लिखोगे? बाय आइडेंटिटी. सही है. अब साइन थीटा को रिप्लेस करेंगे तो कैसे आएगा? वन अपॉन टू होल स्क्वायर प्लस cos square theta which is equal to 1. ये तो आप सबको समझ में आता है. 1 by 2 का square कितना आएगा बेटा? 1 upon 4 plus cos square theta equal to 1. ये भी clear हुआ. positive 1 by 4 वहां पे जाएगा तो क्या होगा? negative. मतलब मैं ऐसे लिख सकता हूं cos square theta equal to 1 minus 1 upon 4. fraction को मैं कैसे solve कर रहा हूं देखो. 4 into 1, 4. So we have to write 4 minus 1 upon 4. मतलब मेरा आंसर आएगा 3 upon 4. ये आप सबको समझा? अब देखो, इसका मतलब cos square theta equal to 3 divided by 4. अब मुझे तो cos theta चाहिए, तो square root निकालना पड़ेगा. तो मैं कैसे लिखूंगा? By taking square roots. By taking square roots. देखिए क्या value मिलती है. We have to find the positive roots. Cos square theta का मतलब cos theta. 3 का root square root of 3. 4th का root 2. Square root of 4 2 आएगा. अभी देखो आपके पास sin theta available है, आपके पास cos theta available है. इसके सहारे आप tan theta निकाल सकते हो. इसका मतलब मुझे एक आंसर मिल गया. अब सिंस व्हाट इज tan theta इक्वल टू sin theta अपॉन cos theta. sin theta वैल्यू कितना है? 1 अपॉन 2. cos theta कितना है? root 3 by 2. by 2 by 2 कैंसिल. देन 1 अपॉन root 3 इज द वैल्यू. अब देखो tan theta रेशो कितना आया? 1 upon root 3. और ये हर क्वेश्चन में एक चीज याद रखना, दोनों की दोनों वैल्यू मिलने के बाद लास्ट में वो लिख के दिखाओ. cos theta equal to under root 3 by 2 and tan theta equal to 1 upon root 3. That's it.